कई बार हमें कुछ ऐसा रहस्यमय चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके मिलने के बाद कई सारे सवाल उठने लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय झील के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर ढेर सारे नर कंकाल मिले। भारत के हिमालय इलाके में बर्फीली चोटियों के इस बीच स्थित रूपकुंड झील, जो समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये झील हिमालय की तीन चोटियों के बीच है, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने की वजह से त्रिशूल नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। रूपकुंड झील को कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। इस झील के पीछे कई सारी रहस्यमय कहानियां हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु चट्टान के नीचे दबने से हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। साल 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस रास्ते से जा रहे थे और वहीं फंस कर रह गए। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी कंकालों की खोपड़ी फ्रैक्चर थी, इसका मतलब हिमालय की यात्रा के दौरान अचानक तेज आंधी बारिश में फंसने की वजह से या किसी चीज के नीचे दबने की वजह से इनकी मृत्यु हुई। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। वहीं इस झील को देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं।